हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अदर सेगमेंट ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स मोनिस रहमान, जो नसीब नेटवर्क्स, rosy.pk और dukaan.com तीनों स्टार्टअप्स को मैनेज करते हैं। मोनिस भाई, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आई हर्ड कि कुछ टाइम पहले dukaan.com रीच 100,000 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका। It's been a lot of hard work. हम इसके बारे में बहुत excited हुए हैं क्योंकि ये एक new group है, ये तबका है, ये small जो resellers हैं, अब इन तक internet आ रहा है, e-commerce आ रहा है, तो हमारा ख्याल है कि इससे उनकी growth आएगी इंशाल्लाह, काफी हमारी उम्मीद है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरा पहला सवाल आपसे है, you started off as an engineer at Intel और उसके बाद आप entrepreneurship में shift हुए, तो ये चेंज कैसे आया और क्यों आपने सोचा कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है? वो देखिए यार, ये एंटरप्रेन्योर जो है ना, ये जो लेबल है इसका, कुछ ये एंटरप्रेन्योर एक प्रोफेशन नहीं होता। एक वक्त के बाद इंसान ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाता है, ही बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो है जो अपना काम अपने हाथों से खुद कर रहा है और नई चीजें कर रहा है, मगर गोल वॉज नेवर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ये नहीं था गोल कि एक दिन मैं आई बी एन एंटरप्रेन्योर। गोल तो ये था कि अपने जो ख्वाब हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो इम्पैक्ट के जो गोल्स हैं, उनके लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता लाजमी था और मैं बहुत इसको यू नो इंजॉय भी कर रहा हूँ। इंजीनियर था इंटेल में, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत स्मार्ट लोग थे मेरे साथ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और एवरी एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस के बाद इंसान जो है ना थोड़े से और स्किल्स आ जाते हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो है दिस होल जर्नी, इससे ज़्यादा एक्साइटिंग कोई चीज़ नहीं है जब इंसान अपने हाथों से ना कोई चीज़ खुद बना सके और उसे इम्पैक्ट होता है, क्रिएट होता है, तो बहुत एक्साइटिंग है। और मैं तो चाह रहा हूँ कि हर कोई इंसान इस मुल्क में नौकरी को एवेंचुअली छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप के साइड पे आए, और इसीलिए हमारी एक ये ऐप बनी है जो दुकान है, कि हर कोई इंसान जिसके पास स्मार्टफोन है विद इन वन मिनट कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर और उसके ऊपर वो सेल कर सकता है ई-कॉमर्स के जरिए। एब्सोल्युटली। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपका पहला जो वेंचर था दैट वाज edaycare.com। जी जी जी। अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो वो उसके फाइनल रिजल्ट आई थिंक वो नहीं था जो आपने एक्सपेक्ट किया था। जी जी। तो उससे आपकी लर्निंग क्या हुई थी? देखिए, जब मैंने edaycare स्टार्ट किया था, ये .com बूम हो रहा था US में इन द वैली, तो हमने इन्वेस्टर से पैसे भी रेज किए थे और daycares जो थे उनपे webcam streaming we had a solution, और ये उस वक्त था, ये 1998 की बात है जब web streaming एक आम चीज नहीं थी, तो we had built a technology, तो बहुत dreams थे कि ये grow करेगा और web streaming will be mainstream और हमारी जो organization grow करेगी starting from webcams and daycare centers, और तो वो actually उस तरह हुआ नहीं है। और उस वक्त आई वॉज द CTO ऑफ द कंपनी, आई वॉज द co-founder CTO था, तो बहुत कुछ सीखा, आई वॉज इन माई 20s यंग, और लर्न हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, लर्न हाउ टू क्रिएट अ बोर्ड, रेज इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें ये आप ये समझ लें कि वो एक MBA था मेरे लिए, वॉज एन इंजीनियर एज यू जस्ट सेड। आपके तीन सबसे बड़े वेंचर्स अगर हम देखें, सो दैट इज rosy.pk, dukaan.com एंड नसीब नेटवर्क्स, और उसके थ्रू वी हैव अ लाइसेंस फ्रॉम स्टेट बैंक, EMI का लाइसेंस है, NBFC का लाइसेंस है, और हम ये छोटे छोटे जो स्टोर्स है उनको हम लोन्स देते हैं और उसके थ्रू वो ग्रो करते हैं। तो ये तीन है वेंचर्स। तो आपका क्या सवाल था? आई एम सॉरी, इनके आइडियाज आपको कहां, आइडियाज कहां से आए? ये देखें, ये जो आइडियाज आते हैं ये नीड से आते हैं। रोजी का आइडिया इधर से आया कि जो हमारी IT कंपनी थी उसकी जब ग्रोथ आने लगी तो वी नीडेड टू हायर, और हायरिंग के लिए उस वक्त अखबार ही थे जो कि स्टार्टअप्स के लिए और मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव थे और उनके जो रिजल्ट्स वो इतने खास नहीं थे, तो रोजी उस वक्त हमने इजाद किया क्योंकि वी नीडेड टू फाइंड अ वे टू हायर। तो एक नीड था, इशू था, उसको हल करने के लिए वी लॉन्च रोजी।
इसी तरह जब 8 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले जब ये रोजी की ग्रोथ आ रही थी, वी नीडेड टू प्रोसेस पेमेंट्स कि ऑनलाइन, और स्टेट बैंक के न्यू रूल्स भी आ गए थे, तो फिंजा का आइडिया उधर से हुआ कि आप स्मार्टफोन के थ्रू यू कैन मेक पेमेंट्स। तो ये भी एक नीड था उस वक्त का, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इट वाज अ नीड। और ये दुकान जो है लॉकडाउन के अंदर हमारे सारे जो स्टोर्स थे इन द मार्केट ही क्लोज हो गए थे, और क्योंकि लॉकडाउन हुआ हुआ था तो लोग उन तक जा नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए हमने ये एक ऑनलाइन जो टूल है उनको बनाया है कि अपने मोबाइल फोन से अपना जो रिटेल स्टोर है या होम बिजनेस या जो भी है उसको ऑनलाइन लेके आए, और आप उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो विद इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी, इंटरनेशनली एक वेबसाइट के जरिए पे से मोबाइल के ऊपर दे कैन बाय फ्रॉम देम एन ऑर्डर। तो ये सारे आइडियाज एक्चुअली इनकी एक नीड थी, रियल नीड, और ये आइडियाज जो इवॉल्व हुए और अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, वो उस नीड के लिए है। एंड आई हैव नोटिस कि ये जो आपके स्टार्टअप्स हैं दे क्रिएट अ कनेक्शन टू द कम्युनिटी, ये बाकी की सोसाइटी से काफी अच्छा ताल्लुक क्रिएट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन सारे आइडियाज के पीछे यही स्पेसिफिक प्राइमरी पर्पस था कि दूसरों की हेल्प करना। देखें, अब इंसान जो भी आपका जो काम है अगर उससे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है ना, बाय इम्पैक्ट आई मीन पॉजिटिव इम्पैक्ट, और जो हमारे आसपास पे ये जो लोग हैं, जो 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 ये अवाम है, इफ़ वी नॉट हेल्पिंग देम, अगर उनको हम अपलिफ्ट की तरफ नहीं लेके जाते तो फिर उसमें क्या इतनी इंजॉयमेंट हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट मनी, वो तो आता रहता है, मतलब अल्लाह के हाथ में रिस्क, मगर जो इम्पैक्ट अब क्रिएट हो सकता है ऑनलाइन के जरिए, स्मार्टफोन्स के जरिए, ऑनलाइन अकाउंट्स के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए, ये जो इम्पैक्ट है दिस कैन ट्रांसफॉर्म ये जो लाइव्स हैं, मिलियंस मिलियंस लाखों लोग, जो करोड़ों लोग जो इस फोल्ड में अब आ गए हैं उनकी इसके जरिए अपलिफ्ट होगी, और अगर उसी में कोई अच्छा काम मतलब हम कर सकें तो इससे अच्छी फीलिंग ही नहीं है। अच्छा, एक नए स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रैक्शन गैदर करना कितना मुश्किल है? ये आपके हिम्मत पे है, आपकी जो फर्स्ट आपका जो सवाल है, पहला सवाल ऑन ट्रैक्शन, ट्रैक्शन तो आपकी हिम्मत पे है, ट्रैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू डोंट हैव ट्रैक्शन तो ना तो इन्वेस्टमेंट रेज होगी ना आपका कोई इम्पैक्ट होगा क्रिएट। तो पहला काम ये है टू क्रिएट समथिंग, कोई आइडिया ऐसा हो और उस पर ट्रैक्शन लेके आए, प्रूव करें कि इसकी नीड है और ये इस्तेमाल भी हो सकता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जो बात थी, rosy.pk हमारी जो जॉब्स की साइट है, इट वॉज द फर्स्ट इदारा, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री दैट रेज VC इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप। अब लास्ट ईयर ड्यूरिंग कोविड 28 स्टार्टअप्स रेज, इस साल कोई 50 के करीब होंगे। तो स्टार्टअप्स की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है अभी बहुत ज्यादा आसान हो गया है कंपेयर टू जब हमने रेज किया था इनिशियली, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, आइडिया अच्छा होना चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए, यू शुड हैव द ट्रैक्शन, और अगर ये सब चीजें हैं तो आज के दिन में इन्वेस्टमेंट इज नॉट इम्पॉसिबल टू रेज, हो जाता है। अच्छा, we're made to believe के जो दुनिया की टॉप कंपनीज हैं, Google, Amazon वगैरह, they were all started from a garage और like minimal funding के through start हुई थी। तो क्या आज के जमाने में पाकिस्तानी यूथ जो काफी enterprising है, 500 से $1,000 में एक startup को effectively launch कर सकती है या नहीं? Startup launch हो सकता है, prototype भी create हो सकता है, if you're a software programmer, आपकी IT की कंपनी है और आप अपना आप ही अपने हाथों से इफ़ यू डूइंग द कोडिंग, तो फिर आपकी तो कोई एक्सपेंस नहीं है, यू डोंट हैव टू यू वोंट हैव अ सैलरी नहीं होगी आपकी कोई, तो $10,000 में हो जाएगा। मगर उसकी जो ट्रैक्शन है उसमें अगर फीट ऑन द स्ट्रीट की ज़रूरत है या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है या ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है तो उसमें तो फिर अखराजात होते हैं। तो आई थिंक पायलट तो क्रिएट हो जाएगा, मगर थोड़ा ट्रैक्शन के लिए यू प्रॉबली नीड मोर मनी, और ये उस पे है कि आप क्या कर रहे हैं, इज इट अ बेकरी, एट होम बेकरी है आपका, अगर होम बेकरी का आपके पास है बिजनेस वगैरह है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, ये कंप्लीटली फ्री है दुकान, यू कैन डू इट विद ₹0, इस तरह की इन्वेस्टमेंट। इफ इट्स अ ट्रेडिंग ऐप और ई कॉमर्स ऐप, आप ये हमारी ऐप इस्तेमाल करें, वो फ्री में हो जाएगा। अगर आपका कोई और आइडिया है विच यू नीड टू मेक अ कस्टम, आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी इंजीनियरिंग के अखराजात होते हैं, हार्डवेयर, सर्वर्स और फिर जो मार्केटिंग होगी, तो $1,000 में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बट एग्जैक्टली क्या होगा वो आपके प्लान पे है और आपके प्रोडक्ट पे है। ठीक है। अच्छा, जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, टू कंट्रीज लाइक द US, UK, कनाडा,
वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सपोर्ट देखी जाती है, फंडिंग के तौर पे, एक्सपीरियंस के, एक्सपर्टीज के तौर पे, और इवन अगर उन्हें आईपीओस लॉन्च करने हो तो उसमें भी। तो अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, सो डू यू थिंक कि हम कंपेटिटिवली रैंक करते हैं इन सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप एट दैट लेवल? नहीं देखें, बट ये तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अभी जो हेल्प अभी है, जो इकोसिस्टम अभी है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है 2008 से, जब हमने रेस की थी इन्वेस्टमेंट और कोई हेल्प नहीं थी, कोई वीसीज भी नहीं आ रहे थे इधर। हम गए थे टू द यूएस इन ऑर्डर टू रेज मनी। तो अब जितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, स्पीड से आ रही है, इंक्यूबेटर्स हो गए हैं, यू गॉट द को वर्किंग स्पेस, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, हु आर हेल्पिंग ईच अदर कि यार आप इस तरह करो, इस तरह ना करो, एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो जो कम्युनिटी है उसकी ग्रोथ बहुत आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। यूएस तो बहुत एडवांस्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि ये काम वो बहुत अरसे से कर रहे हैं, हम न्यू हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर आप में एम्बिशन है और पैशन है, तो पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये मेरी राय है। That's great to hear. आप एक venture capitalist भी हैं, आप startups में invest भी करते हैं. So what are the things that you look for the most जब आपको किसी startup की pitch आती है तो? मैं ज़्यादा startups में investment नहीं कर रहा. मैंने कुछ investments की भी थी in the past. They were largely unsuccessful. तो मैंने सीखा ये है कि जब तक मैं खुद उसमें operationally and strategically involved ना हूँ, तो चांसेस स्टार्टअप के काफ़ी लो हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में जान लगती है, दिन रात आपका जो पूरा अंदर का सोल उसके अंदर आता है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू आस्क, बट असल में तो टीम हैज़ टू बी वेरी गुड, अच्छी टीम होनी चाहिए, आइडिया हैज़ टू बी गुड, द साइज ऑफ द मार्केट इट शुड बी अ लार्ज साइज। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। मगर मैं, इफ़ यू कॉल मी अ VC, दैट्स अ वेरी It's not fair to VCs to call me a VC, क्योंकि मेरे investments काफी unsuccessful रहे हैं, aside from those जिसमें मैंने अपना खुद operationally involvement ना की हो। सही। अच्छा, you're considered one of the top entrepreneurs of Pakistan. तो आपके experience में एक entrepreneur की सबसे important qualities क्या होती? ये देखें, these are titles. मैं इधर 2003 में आ गया था, तो शायद इसलिए लोग ये कहते होंगे, मगर बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे। मगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो एंटरप्रेन्योरशिप में आई थिंक लाजमी है, इट इज़ रेजिलियंस, कि आप यू कीप गोइंग, यू फाइंड वेज, इश्यूज बहुत आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर आप पूरी इकोनॉमी को और मार्केट और वर्टिकल को, अगर उसको इफ़ यू ट्राई टू ट्रांसफॉर्म है, तो उसको चेंज कर रहे हैं, इसका ये मतलब होगा कि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे आपके सामने। तो सबसे अहम ये क्वालिटी है कि एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योर वो जो हर्डल्स हैं जो आपके जो आते हैं, उनको आप हैंडल करें एंड ओवरकम देम। ये नहीं कि बस रुक जाएं कि नहीं हो सकता। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या हैं? रिग्रेट्स तो कोई भी नहीं है। गलतियां तो अच्छी खासी की हैं, मगर रिग्रेट्स कोई नहीं है, क्योंकि मैंने इंजॉय किया है। तो आई कैन से आई हैव अ रिग्रेट। मिस्टेक्स हैं, बट रिग्रेट तो अभी तक कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, लुकिंग टू द फ्यूचर, अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं, सो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स ने $2 बिलियन के मार्क को क्रॉस किया इन अ फिस्कल ईयर। तो आपको क्या लगता है कि इसकी सीलिंग क्या है और हमारे पास कितना पोटेंशियल है जिसका फायदा उठाया जा सकता है? एक्सपोर्ट्स शुड इंक्रीज। अभी हमारे एक्सपोर्ट्स लो हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे आईटी के लोग हैं यहाँ पर। अगर आप आईटी फ्रीलांसिंग में देखते हैं, तो पाकिस्तान इज फोर्थ इन साइज नेशनली ग्लोबल आईटी, जो हमारे जो फ्रीलांसर्स उस पर जो काम करते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स अभी, मैं इसलिए कह रहा हूँ लो हैं, बिकॉज इंडिया के तो बहुत ऊपर चले गए हैं और अब हमारे ऊपर जाने लगे हैं। ड्यूरिंग कोविड हमने वी सीन अ बूस्ट। तो कोविड में भी जो हमारे एक्सटर्नल, जो इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया कि यार ये भी मुल्क है, सेफ नहीं है, मगर आजकल मेरे हालात नहीं है, इनके रेट्स ठीक है, इनके पास लोग हैं, चलो आई ट्राई। उस वक्त अच्छे खासे लोग आए थे इधर, और अब ये हो रहा है कि जैसे लोग आते हैं और वो देखते हैं कि यार इधर तो अच्छा काम होता है और रेट भी ठीक है, तो
आईटी एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, हमारी ऑनलाइन इकोनॉमी का साइज इंक्रीज कर रहा है स्मार्टफोन की वजह से, पेमेंट्स की वजह से, तो लोग भी सीख रहे हैं कि आईटी के काम वो कैसे करें, वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा आईटी एक्सपोर्ट जो है ना, ये इंडस्ट्री दिस इज अबाउट टू बूम, इट्स गोइंग टू ग्रो, और वो इसलिए क्योंकि हम ऑनलाइन आ गए हैं और जो वर्ल्ड है वो अब एक दफा लोग आने लगेंगे ना तो और लोग आएंगे। मगर हमारा मेन इश्यू ये रहा है कि लोग आते नहीं है क्योंकि मुल्क का जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो उनके लिए अनसर्टेन है, तो फिर इंडिया चले जाते हैं। मगर क्योंकि अब एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो गई है और वो देख रहे हैं कि ये हकीकत नहीं है, इधर तो अच्छा काम हो रहा है, तो ये आईटी एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह यू विल सी के इसमें बहुत इंक्रीज आएगा। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, rosy.com के थ्रू कितने लोगों को अब तक जॉब्स मिल चुकी है? rosy.pk के थ्रू एटलीस्ट 1 million पीपल, यानी के 10 लाख लोग एटलीस्ट, 40,000 जॉब एप्लीकेशंस हमारे प्लेटफॉर्म पे रोज होते हैं, प्रोसेस होते हैं, तो उनमें से तकरीबन 68% की हायरिंग होती है, तो ये बहुत स्पीड से हो रहा है। वेरी अमेजिंग। और अब हमारा एक और भी प्लेटफॉर्म है रोजगार के नाम से, जो कि आम आदमी के लिए स्मार्टफोन बेस्ड है उर्दू में, तो उससे भी अच्छी हायरिंग हो रही है। That is absolutely great. We wish you the best of luck in all your ventures. Bahut shukriya. Thank you very much, Munis bhai. It was a pleasure talking to you. Pleasure was mine, Ilyan. Assalamu alaikum. Apna khayal rakhein. And on that note, this is Ilyan Al-Kareem signing off.